साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक हुआ है साउथ ईस्ट पे एडजाइनिंग सेंट्रल में पे, तो इसी का प्रभाव में कल तक लो प्रेशर बनने का चांसेस है इससे ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजाइनिंग अंडमान सी में, ठीक है। उसका बाद ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न इसका मूवमेंट होगा और इंटेंसिफिकेशन होकर के विद इन 24th साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। 24th तक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद फर्दर भी इसका इंटेंसिफिकेशन होगा और मूवमेंट भी नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहेगा। 26th मॉर्निंग तक वेस्ट बंगाल उड़ीसा का कोस्ट व उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का पास नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में आने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव में हम लोग पहले से जो वार्निंग दे चुका है, और जैसा फिशरमैन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है फिशरमैन को 23rd तक सभी फिशरमैन जो डिप्स एरिया में है उनको कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। 24th से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है और 23rd से डिप सी में जाने के लिए मना है। और अभी आपका रेनफॉल का जो है, रेनफॉल जैसा हमने बोला 25th से हमारा रेनफॉल एक्टिविटी कोस्टल उड़ीसा में सभी जगह में लगभग हल्का से मध्यम बारिश स्टार्ट हो जाएगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी कुछ कुछ एक दो जगह करके होने का चांसेस है कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी धीरे धीरे। और इसका धीरे धीरे इंटेंसिटी, रेनफॉल का इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा और एरिया भी इंक्रीज होने का चांसेस है।